रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो प्यारे बच्चों, हमने अच्छी आदतें अपनानी है क्योंकि ये बिल्कुल उसी सीढ़ियों की तरह हैं। अच्छी आदतें अपना लें तो वो आपको कामयाबी पे ले चलती हैं, लेकिन जैसे सीढ़ियाँ जो हैं वो भी एक स्टेप एक दफ़ा बारी बारी चढ़ना पड़ता है, इसीलिए कामयाबी हासिल करने के लिए रोज़ मेहनत करनी पड़ती है। तो हमने अपनी किरदार साजी करनी है, अपने अखलाक को अच्छे बनाना है, अपनी आदात को अच्छा बनाना है, क्योंकि जब तक हम अपनी हालत खुद नहीं बदलेंगे कोई और नहीं आके हमें बदलेगा। कुरान भी यही कहता है और अल्लामा इकबाल ने भी यही कहा है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। तो सच्चा बनना, बहादुर बनना, ये बुनियादी खसूसियात हैं। और फिर ये है कि सच्चा कैसे बन सकते हैं, अल्लाह ताला रोज़ हमें कामयाबी की तरफ बुलाते हैं। अल्लाह के आगे झुकना कामयाबी है, अल्लाह ताला को समझना जानना, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम कुरान खोलें और पढ़ें जो हमें समझ आए। तो अब हम अपनी वर्ड प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, हम वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। तो अब देखें आपके ये हमारे पास है, देयर आर 129 पेजेस इन अ बुक, देयर आर 95 पेजेस इन अनदर बुक। पेजेस सफ़ों को कहते हैं। इफ ज़ारा रीड्स बोथ बुक्स हाउ मैनी पेजेस विल शी रीड इन टोटल। तो अब यहाँ पे आप वीडियो रोकें, सबसे पहला स्टेप जो है वो हमने क्या करना है ये खुद से सोचें। हमने इसको 100 वंस और टेंस में चेंज करना है, यानी इस तरह टेबल बना लेना है। तो सबसे पहले नंबर लाइन के ऊपर हम वंस को ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास 14 आ गया। 4 को हमने वंस के नीचे लिखा और एक हमने कैरी किया, कैरी जो है वो टेंस में ऐड हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि टेंस में हमारे पास 2 + 9 है, तो हमने 9 से आगे 2 काउंट किया तो 11, और एक हमने कैरी ऐड किया तो हमारे पास 12 आ गया। अब 2 हमने टेंस के नीचे लिखा और 1 कैरी है हमारे पास हंड्रेड्स के लिए, तो हमने 1 + 1 जो है वो 2 होता है, तो हमारे पास आंसर आ गया 129 + 95 = 224। उम्मीद है आप खुद से कॉपी पेंसिल लेके ये प्रॉब्लम करेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि एक स्कूल है, उसमें 154 बॉयज़ हैं, यानी 154 लड़के हैं और 126 गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, टोटल कितने हुए। तो इसको भी आप वीडियो यहाँ पे रोक के पहले टेबल बनाएं, इनको वन टेंस और हंड्रेड में कन्वर्ट करें ताकि आपको एडिशन में आसानी हो। तो ये हमने इस तरह से लिख लिया, इसमें 100s हैं, 154 में 5 10s हैं और 4 1s हैं, और नीचे 126 में हमने पहले 1s को ऐड किया, 4 + 6 जो है नंबर लाइन पे किया तो 10 आ गया। 0 हमने 1s के नीचे लिखा और 1 कैरी हो गया, ये कैरी टेंस में ऐड हो जाएगा। अब हम टेंस को ऐड करते हैं तो हमने देखा कि 5 में अगर हम +2 करें तो 7 आता है और 1 कैरी, तो ये हमारे पास 8 आंसर आ गया। और हंड्रेड्स में हमारे पास यानी कैरी भी टेंस में करना है, और 100 में हमारे पास 1 + 1 जो है वो हो जाता है 2, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 154 + 126 = 280। तो ये थी हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इजी आ गई है फिर से, कि हमारे पास एक इमरान के पास एप्पल्स हैं, 43 एप्पल्स हैं और 27 ऑरेंजेस हैं, टोटल कितने हैं उसके पास। इनको भी हम यहाँ पे आप वीडियो रोकें, अपनी कॉपी पेंसिल में इनको टेंस और वंस में कन्वर्ट करें। जैसे आपने देखा कि 43 में 4 10s हैं और 3 1s हैं, और 27 में 2 10s हैं और 7 1s हैं। तो पहले हम 1s को ऐड करेंगे, अगर नंबर लाइन पे आप 3 में 7 ऐड करें तो हमारे पास 10 आंसर आता है। तो 0 1s के नीचे लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा, और फिर जब हम 10s को ऐड करेंगे तो 10s में 4 से आगे आप 2 ऐड करें तो 6 आता है और 1 कैरी है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 43 + 27 = 70। 70 में 7 10s हैं और 0 1s हैं। तो ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम को आप बिल्कुल नंबर लाइन पे सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक करें और शेयर करें।